अहमदाबाद से दिल्ली जा रही आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर कल एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैबिन के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ रहता है और वह सिस्टम से छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया है। वह फेसबुक के ऊपर लाइव भी था, हालांकि वह रिश्तेदार था जो ट्रेन चलाने वाला था उसका, और उसी के चलते हुए उसका रिजर्वेशन कन्फर्म ना होने के चलते हुए उसने अपने साथ में बैठा लिया। लेकिन वह फेसबुक के ऊपर ऐसा कहता हुआ पाया गया कि ट्रेन मैं चला रहा हूँ और साथ ही वह छेड़छाड़ करता हुआ भी नजर आया है। इसी के चलते हुए इस पर एक्शन लिया गया है और कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। क्या कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार को लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। स्पीड से दौड़ती ट्रेन के इंजन में बैठे एक व्यक्ति ने इमरजेंसी उपकरणों से छेड़छाड़ कर दी। इस कारनामे का उसने फेसबुक पर भी लाइव किया है। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिपार्टमेंट ने घटना के लिए जिम्मेदार 3 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामला सोमवार की शाम बांदीकुई जंक्शन का है, जहां पर जयपुर से पहुंची आश्रम एक्सप्रेस में चीफ लोको इंस्पेक्टर संतोष ने अपने रिश्तेदार सुखराम को लोको कैबिन में बैठा दिया क्योंकि उसका टिकट कन्फर्म नहीं था। ट्रेन के जंक्शन से रवाना होते ही सुखराम ने कैबिन से फेसबुक पेज पर लाइव करना शुरू कर दिया और ट्रेन को खुद चलाने का दावा करते हुए वह लाइव कर रहा था। वीडियो में वह ट्रेन चलाने वाले उपकरणों से भी छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा था। उस वक्त ट्रेन में 800 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। जयपुर मंडल के DRM नरेंद्र ने बताया कि जांच में मामला बांदीकुई से दिल्ली ट्रेन के बीच का होना पाएगा और जयपुर मंडल रेलवे ने चीफ लोको इंस्पेक्टर संतोष, लोको पायलट प्रदीप मीणा और असिस्टेंट लोको पायलट मनीष को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।